हम ये चाहते हैं, अगर आप हमें भी पता है कि पॉल्यूशन फ्री हमारा देश होना चाहिए, लेकिन पराली के लिए निस्तारण की आपने क्या व्यवस्था करी, हमें जिलाधिकारी महोदय ये अवगत कराए, प्रशासन ने क्या काम किया किसानों के लिए कि पराली आप हम... अध्यक्ष जी, आज आप लोगों ने प्रदर्शन निकाला है, किस किन किन मांगों को लेकर निकाला है और क्या आपकी जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हो पाई है? हमने कल उनको आगाह कर दिया था। पहली बात तो मैं बता दूं आपको, जिलाधिकारी महोदय को, कि हम पूरी कांग्रेस हजारों की तादाद में किसान गौतम बुद्ध नगर के आपसे मिलने आ रहे हैं और हम धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, लेकिन जब तक वो हमसे नहीं यहाँ पे बैठ मिलेंगे तब तक हमारा पूरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी यहीं बैठे। क्या क्या मांग? हमारे जो मुद्दे हैं, मैं किसानों को जो गन्ना का मूल्य है वो 450 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। हमारे अभी गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूँ, पूरे प्रदेश की बात करूँ, पूरे देश की बात करूँ तो पराली पे फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। आप किसानों के बारे में सोच नहीं रहे, उन पर 2-2 लाख का, 15-15 हजार का, 20-20 हजार का फाइन लगा के उनको जेल आप भेज रहे हो। हम ये चाहते हैं, अगर आप हमें भी पता है कि पॉल्यूशन फ्री हमारा देश होना चाहिए, लेकिन पराली के लिए निस्तारण की आपने क्या व्यवस्था करी, हमें जिलाधिकारी महोदय ये अवगत कराए, प्रशासन ने क्या काम किया किसानों के लिए कि पराली आप हमारे यहाँ पे भेज दो या उसके निस्तारण की व्यवस्था बनाई, लेकिन नहीं। और हमारे यहाँ प्रशासन पूरा, पुलिस प्रशासन से लेके सारा प्रशासन तक, जिन लोगों के कहने पे आपने थोड़े थोड़े किसी का नाम लेकर, जिससे थोड़ी बहुत रंजस है उसका आपस में नाम लेकर पुलिस वाले उन पे तरह तरह के फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। आप रोज देखते होंगे किसी न किसी थाने में 10-5 किसानों के लिए फर्जी मुकदमे पराली के कराए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि सारे फर्जी मुकदमे भाजपा सरकार, योगी सरकार जो इतनी तानाशाही चला रही है, इन मुकदमों को वापस ले। अगर नहीं वापस लेगी तो कांग्रेस पूरा व्यापक आंदोलन चलाएगी इसके लिए। मनोज चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम है, मैं जिला ये किसानों को लेकर, किसानों के मुद्दे में जिसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी जी ने और पूर्व अध्यक्ष महेंद्र नागर जी ने आपको सर्वोच्च बता दिया है, उनके साथ किसानों का साथ दिया जाए, किसानों को जो भी रेट मिलना चाहिए, जैसे गन्ने का है या किसी और भी जो भी खेती करते हैं, वो सब उनको रेट सही तरीके से मिलना चाहिए और इसके लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जब तक जिला अधिकारी जी ज्ञापन लेने नहीं आते तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जैसे डॉक्टर रेड्डी के साथ, प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ है, ऐसे ही महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए। उसके लिए एक कोई ऐसा नंबर चाहिए, जैसे आधी रात को भी कोई महिला सड़क पर निकलती है, उसको कहीं जाना है या बाई चांस कोई प्रॉब्लम में आ जाती है तो उस नंबर पर फोन करे और पुलिस प्रशासन है वहां पहुंचे और उसकी हेल्प।